मैंने लोगों को बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भयानक जो तूने काम किए मेरे लिए उनके द्वारा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में कि तेरे भयानक कामों के कारण जो तूने किए, तेरी बात कर रहा है, तुम्हारी बात, मेरी बात परमेश्वर कर रहा है, कहता भयानक कामों के कारण मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुम्हें दूंगा। क्या है भयानक काम? किसी को जाके परमेश्वर के बारे में बता के आना जो बिल्कुल कट्टर हो, दुश्मन हो परमेश्वर का। सुसमाचार वहां लेके जाना जहां ना पहुंचाओ, किसी चीज की परवाह ना करना, ना डरना, ना घबराना, अपने रिश्तेदारों को बता के आना कि मैं परमेश्वर में हूं। बीज बोने के लिए परवाह ना करना, काम करने के लिए परवाह ना करना, प्रभु का काम खुल के करना। कहता भयानक कामों के कारण तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। आज बोलो चाहिए परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो मैं चाहता हूं मुझे दे। बाइबल कहती उस तू भयानक काम जब परमेश्वर के लिए करेगा तो तेरा मुंह मांगा वरदान भी यहोवा तुझे देगा। पर अगर वचन पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ मांगते जा रहे हैं जिन्नी की तरह, जैसे जिन के पास आए कि विश मांग ली, ये विश मांग ली, लेकिन चिराग से अभी जिन निकलेगा और अभी बोल देगा ये ले मेरे आका। हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है। हाँ, वो कार्टून से बाहर निकलो, वो कार्टून वाली चीजों से बाहर निकल के थोड़ा असली में आगे काम करो ताकि परमेश्वर आपको फल दे। आमीन। कहता तेरे किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। तेरे किए भयानक कामों के द्वारा अपने चले चलाए काम को छोड़ के मिनिस्ट्री में आना, ये भयानक काम था, और मुझे मुंह मांगे वरदान मिले। सब कुछ सेट करके छोड़ देना और मिनिस्ट्री में आ जाना, ये भयानक काम था परमेश्वर के लिए। परवाह ना करना पूरे काम की, जैसे करना वैसे ही करना, किसी का डर ना रखना, यह भयानक काम था। कहता तू भयानक मेरे लिए काम करेगा, मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तू अपनी जान खोएगा, मैं तुम्हें वापिस करूंगा। तू अपने बचाएगा, मैं तुझे छीन लूंगा। तू मेरे लिए खोल देगा सब कुछ, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने जीना सिखाया आपको वचन के जरिए। आमीन। अगर उन दिनों में अपने रिश्तेदारों को चैलेंज ना करता कि मैं यहोवा को मानता हूं, यीशु मसीह को मानता हूं, अगर वो मुझे चैलेंज ना करते, एक दिन तू वापिस आएगा अपने धर्म में। उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं। हाँ, आज वो आना चाहते हैं। हाँ, कितनी बार बता चुका हूं मैं, वो आना चाहते हैं। आमीन। या तो आप शैतान को अपनी ओर खींचोगे या उसकी ओर चले जाओगे, बीच में कुछ नहीं। या तो व्यभिचार की ओर चले जाओगे या उसे तोड़ दोगे, बीच में कुछ नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है हर एक काम को करने की और फलदार रहने की अपनी लाइफ में। आमीन। कहता तू अपने किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाए। अपने पड़ोसी को बोलो भयानक काम कर, बड़े काम कर, अगर तू मुंह मांगा वरदान परमेश्वर से पाना चाहता है तो। आमीन। कहता अपने किए हुए भयानक कामों के कारण तू यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाएगा, जो तू कहेगा यहोवा वो करेगा। हालेलुया। नीति वचन के द्वारा, कहता इनके द्वारा पढ़ने वाला बंदा बुद्धि प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, काम करने की प्रवीणता प्राप्त करेगा। एक वचन मैंने आपको पढ़ाया था 14:8 में लिखा, चतुर का वो चतुर जो होते हैं, चालाक जो होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी चाल को जानते हैं। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। जो चालाक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो हर वक्त अपनी चाल को समझते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों को समझते हैं। ओ कितना चालदा हले प्रभु जी, दारू पीती हो ने? हाँ, पर कहता बुद्धिमान हर वक्त अपने आप को देखता है। आज मैंने प्रेयर की? हाँ। आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं? अभी मैंने फास्टिंग कितने दिन हो गए नहीं किया? की कौन सा काम मैंने करना है अभी? क्या पाप है जो प्रभु मुझसे खुश नहीं, मैंने छोड़ना? हाँ, कौन सी सिद्धता में मैंने आगे जाना है? बुद्धिमान कहता है ऐसे चलता है, और मूर्ख वो दूसरों की ओर ध्यान देता है। ये मैंने एक वचन आपको, दो तीन वचन दिए हैं सिर्फ, और सोचो जब आप पूरे
31 पढ़ोगे, अध्याय पढ़ोगे, तो कहां बुद्धि जाएगी आपकी, कहां दिमाग जाएगा। और सोचो अगर पूरी बाइबल आप पढ़ने बैठ जाओ और बाइबल का एक एक अंग आप खा जाओ अपने अंदर, तो सोचो आप कैसे व्यक्ति बन जाएं। इमेजिन करके देखो आप, अगर बाइबल आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, अगर वचन आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, तो आप कहां जाओगे। हालेलुया। कहता बैल जहां नहीं वहां गौशाला निर्मल रहती, पर कहता बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कहते पंगा लेना ही नहीं है जी कोई, आराम से रहना है कंफर्ट में, तो कहता अनाज की बढ़ती तुम्हारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहां काम होगा वहां पंगा होगा, वहां डिसकंफर्ट होगा, पर वो अनाज की बढ़ती के लिए होगा, आपकी ब्लेसिंग के लिए होगा। और सोचो एक वचन अगर नीति वचन पढ़ के हमें एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है, सोचो अगर मैं बाइबल को रोज पढ़ना शुरू कर दूं और रोज इस पे चलना शुरू कर दूं और रोज इस तरह से पढ़ूं कि परमेश्वर आज वचन से तू मुझसे बात कर और वचन के जरिए मैं जानना चाहता हूं तू क्या चाहता है, और वचन को समझ के जब चलना शुरू किया जाएगा, सोचो कैसी स्थिरता आपकी लाइफ में हो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ फिर से, बोलो वचन मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, मैं इसे रोज पढूं, रोज सुनूं, ताकि मैं स्थिर रह सकूं, फलदायक रह सकूं, किसी अच्छी चीज की मुझे कमी ना हो, मैं उसके वचनों से खोज सकूं, यहोवा के मन को जान सकूं, परमेश्वर के उद्धार को समझ सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के एक सेकंड के लिए। आमीन। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज, क्या बात है, चर्च ब्लेस हो रही वाकई। और मेरा बिलीव है जो अभी भी हाथ नीचे हैं वो अगले थर्सडे हाथ ऊंचे करेंगे। हाँ आप जानते हो अभी अगर हीलिंग, अगर मिरेकल्स और प्रोफेटिंग शुरू हो जाए तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा और अभी होंगे वो। हाँ, पर जो वचन आपके अंदर जाने वाला है और अगर आप इसे समझ गए तो आप जो यहां हफ्ते बाद लेने आते हो आप रोज लोगे अपनी लाइफ से। अगर वचन नहीं तो हीलिंग भी बनी नहीं रह सकती, डिलीवरेंस भी बनी नहीं रह सकती, अगर वचन ये नहीं मैं आपको दूं तो। एक एक वचन पावरफुल है, जब मैं पढ़ता हूं इसे, मैंने एक टारगेट रखा होता है, इतने चैप्टर मैंने रोज पढ़ने हैं, इतने नए नियम से पढ़ने हैं, इतने मैंने प्रोफेटिक बुक से पढ़ने, इतने पुराने नियम से पढ़ने, और कभी कभी भजन संहिता नीति वचन से पढ़ने। और जिस दिन
आप वचन नहीं पढ़ते हो, आप बेचैन रहते हो और आपको एक भूख लगी रहती है अंदर से, आज पड़ा नहीं है कुछ, चलो भागो उधर। जैसे नशे वाला व्यक्ति जाता है ना हर वक्त, उन्हें पता आज आज सिगरेट लाई नहीं, दिल चुका हूं, मुंह हो ही जाता। हाँ, आपको वचन के लिए वो काउमो होना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा अटूट हिस्सा बनाना है वर्ड। आमीन। आप देखो एक एक चीज लिखी है, कहता है जवान को ज्ञान और विवेक मिले। यही विवेक था जिसके कारण यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया था। उसने कहीं बाइबल में लिखा नहीं था व्यभिचार ना कर, वो अभी हुक्म आए ही नहीं थे, तू हत्या ना कर, चोरी ना कर, वो आए नहीं थे अभी, वो मूसा के बाद आए, तब नहीं थे। पर बाइबल कहती उसने कहा वो मेरा मालिक जिसने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, जिसने मुझे ब्लेस किया, मेरा वो शारीरिक जो मालिक है, मेरा बॉस है, क्या मैं उसके साथ ये गद्दारी करूं और उसकी वाइफ के साथ गलत काम करूं। कहता मेरे विवेक ने मुझे ये करने की आज्ञा नहीं दी। और कैसे मिला विवेक? कहता नीति वचन कहता इनके द्वारा, पढ़ने के द्वारा, कहता वचन को पढ़ने के द्वारा तुम्हारे विवेक की बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा विवेक सही होगा। और जहां विवेक गड़बड़ हो जाए, लाइफ क्या जनरेशंस गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। विवेक जहां गड़बड़ हो गई, जहां विवेक की गड़बड़ हो गई, वहां मैंने कहा लाइफ नहीं जनरेशंस खत्म हो जाती है। लाइफ नहीं मैं कह रहा हूं, जनरेशंस की बात कर रहा हूं। एक ऐसा बंदा जो अभी अच्छी पोजीशन पे है, अपनी लाइफ के पुराने टाइम में जब वो जवान था, उसने एक एक व्यक्ति को मार के उसकी प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि वो अकेला था, उसको खत्म कर दिया स्ट्रेटेजिकली, बड़े बड़े ध्यान से उसको खत्म किया, किसी को मालूम ना हो। अब जब उसके बच्चे बड़े हुए, वो उसको जवाब दे रहे हैं, जितना वो करप्ट था उससे 10 गुना करप्ट निकल रहे हैं। तब तो कुछ किसी ने आवाज नहीं लगाई होगी कि भाई, तब तो खुश हुआ होगा कोई, इतने लाख का फायदा हो गया उस जमाने में, क्योंकि विवेक मरा हुआ था, तब फायदा नजर आ रहा था। अब जब वापिस आ रहा है सब कुछ ऊपर से उसके बच्चों के द्वारा, अब वो रोता है, और रोने से कोई हल नहीं होगा। अगर विवेक जिंदा होता तो ये काम होता ही नहीं। आज एक औरत दूसरी औरत का घर खराब कर रही, उसके पति को अपना कर रही कि लव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको क्या लगता है 10 साल बाद आपके साथ क्या होगा? क्या जो आपने बोया, क्या वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा? मैं उन लोगों से भी बोलता हूं जो कभी मिनिस्ट्री में रहे, मैंने कहा जब तुम जाना तो वो बो के जाना जो तुम खुद काटना नहीं चाहते। हाँ, वो मत बोना जो तुम काटना नहीं चाहते, वही बो के जाना जो तुम काटना चाहते हो, क्योंकि जो तुम बो के जाओगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वही वापस करने वाला है। तो मुझे चिंता नहीं कोई क्या करे, मुझे इतना मालूम है जो तुम बो के जाओगे वो सेम तुम्हें काटने को मिलने वाला है। और इसीलिए धर्मी जन ज्यादा शांत भी रहते, उन्हें मालूम है कि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जो सब चीजों को वापिस करेगा सूद समेत ब्याज समेत। लिखा अगर तुम नीति वचन पढ़ो तो तुम विवेक पाओगे। विवेक ऐसी चीज है, कॉन्शियस ऐसी चीज है कि अगर कोई चीज बाइबल में नहीं भी लिखी, आपका विवेक बता देगा कि ये गलत है। लिखा है बाइबल में अफीम ना खाओ, लिखा कहीं अफीम ना खाओ? हाँ, तो खाते क्यों नहीं? आपका विवेक जानता है ये क्या है गलत। अब्राहम को कहां लिखा था बाइबल में, तूने अपना 10वां हिस्सा बोना, उसका विवेक जानता था 10वां हिस्सा देना। उसके बाद मूसा ने कहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम कहा, ये किसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है टाइथ देना, ये व्यवस्था से पहले और व्यवस्था के बाद का भी।